आदाब नाज़रीन, मैं हूँ जागृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहम्मद फैजल जी। सर, आपका मुंसिफ टीवी में इस्तकबाल है। थैंक यू। नाज़रीन, हम आपको मोहम्मद फैजल साहब के बारे में बता दें कि ये लक्षद्वीप से एकमात्र सांसद है और एनसीपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। इसके साथ ही हम बात यह भी करेंगे कि किस तरीके से लक्षद्वीप में राजनीतिक तौर पर काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, हम लक्षद्वीप के लोगों के बारे में भी जानेंगे, वहाँ पर क्या कमियाँ हैं और किस तरीके से सरकार यानी कि केंद्र सरकार के सहयोग से किस तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इन तमाम मसलों पर आज हम बातचीत करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। फैजल जी, देखा जाए जिस तरीके से लक्षद्वीप से आप एकमात्र सांसद हैं, तो यह जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि एकमात्र सांसद होने के बाद किस तरीके से वहां की चीजों को आप उठाते हैं और क्या आपको कोई अभी तक अगर हम कार्यकाल की बात करें आपकी, तो कोई समस्या तो नहीं आई? तो पहली समस्या ये है कि लक्षद्वीप एक दूर खड़े हुए एक छोटा टापू होने के नाते वहाँ की जो आम लोगों की मेन लैंड से कनेक्ट करना बहुत ही बड़ा समस्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कैसे इम्प्रूव करें। कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अभी दो तरफ, एक तो हवाई जहाज़ चलते हैं, दैट इज़ ओनली वन आइलैंड, यानी कि आगाती बोल के एक आइलैंड में एयरपोर्ट है जहाँ एयर कनेक्टिविटी होता है। तो एयर कनेक्टिविटी हर इंसान को या उन अभी मे जैसे सांसदों को, मेरी छोटी टापू है आंद्रोथ, अगर मुझे आंद्रोथ जाना हो, अगर मैं फ्लाइट भी पकड़े वहाँ से, फिर मुझे दोबारा स्पीड बोट में या पानी के जहाज़ में जाना पड़ता है। तो अगती एक एयरपोर्ट है कि गेटवे की लक्षद्वीप कवरत्ती कनेक्ट कैपिटल कनेक्ट कर सके। दूसरी है हर लोग जहाज़ पानी के जहाज़ की यूटिलाइजेशन होते जा जाते। तो इसको हमें ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बनाया। पर्सपेक्टिव प्लान में 2030 तक जितनी जहाज़ आना चाहिए, कि पैसेंजर जहाज़ हो या कार्गो मूवमेंट हो या एलपीजी कैरियर हो, इन सबको लेके हमने एक पर्सपेक्टिव प्लान मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने जमा किया, दैट गोट अप्रूव्ड। नितिन गडकरी जी ने उनका अप्रूवल दे दिया। अभी फेस मैनर पे होम मिनिस्ट्री हर एक चीज़ को फंडिंग करके जाएंगी, उसकी प्रॉपर टेंडर वगैरह हो जाएंगे। तो 2030 तक की जो एक प्लान है और प्लान अभी इम्प्लीमेंटेड होने जा रहा है, यानी कि जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है उस पर काम जो है जारी है और 2030 तक उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में अगर हम लक्षद्वीप की अगर हम खास तौर पर हम बात करें, तो किस तरीके से, क्योंकि मोदी हुकूमत में सिर्फ केंद्र सरकार के कामकाज से सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जिनको उम्मीदें टिकी हुई हैं कि मोदी की इस हुकूमत में कई राज्यों की तस्वीर बदलेगी। आपको क्या लगता है कि लक्षद्वीप की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी और आने वाले वक्त में लक्षद्वीप में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? एक एमपी के नाते, विपक्ष की एमपी के नाते, इस गवर्नमेंट की तरफ मैंने जो भी ज़रूरतमंद चीज़ सामने रखे हैं, तो उस सब चीज़ों को एक पॉजिटिव नज़र से गवर्नमेंट देखे हैं। तो इस सारी एरिया में मैंने जब जिक्र किया आपको, हेल्थ एरिया में देखो, ट्रांसपोर्ट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और बाकी जो भी इश्यूज इनके आते हैं, तो गवर्नमेंट एक पॉजिटिव नज़र से लक्षद्वीप को देख रहा है। कि उसी उम्मीद में भी लक्षद्वीप वासियों भी उसी उम्मीद में एक प्राइम मिनिस्टर की विजिट के लिए भी वेट कर रहा है, क्योंकि पिछली 30 साल हो गए हैं एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लक्षद्वीप को विजिट करके 30 साल हो रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अपनी इनविटेशन दिए हैं। तो लास्ट नवंबर गए साल दिसंबर को आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन लास्ट कुछ कारणों की वजह से आ नहीं पाया। इस नवंबर दिसंबर में दोबारा हम उसी ख्वाहिश में उनको इनवाइट कर रहा हूं कि जो भी है, मैं इस ओपनली बोल रहा कि विपक्ष के एमपी होते हुए भी जो भी मेरी ज़रूरत चीज़ को गवर्नमेंट में पूरी की है, तो मेरी पॉजिटिव टू दी गवर्नमेंट लक्षद्वीप की तरफ से एक अलग सा नज़र से देख रहा है वो। तो अगर हम लक्षद्वीप के अगर हम कम्युनिटी की बात करें, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं, कैसा माहौल है वहाँ पर? क्योंकि जब से एनडीए की हुकूमत आई है, तो अलग अलग राज्यों में कई तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या वैसे हालात वहाँ पर तो उत्पन्न नहीं हुए? खुदा न खास्ता कुछ भी अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है कि
पूरी की पूरी जो पैदाइश वहाँ का है पूरी मुसलमान है, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई भी इश्यूज से इस कम्युनल इश्यूज में हो या और कोई इंडिया की बाकी जगह पे जो होता है उसकी असर वहाँ नहीं ऐसा होने नहीं देते हम, ऐसा होते भी नहीं है। अभी वहाँ पे जो है बाहर जो इंडिया से भी आके लोग रहते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, IAS लेवल की भी हैं, पुलिस में हैं और CRPF की जो लोग होते हैं और टीचर्स भी है जो मेनलैंड से है बट अन्य बगैर मुस्लिम की भी है, उनके लिए हमने टेम्पल भी बनाया हुआ है, उनको उनकी जो भी त्यौहार आते हैं होली आते हैं हम भी उनमें शामिल होते हैं, हमारी ईद जब आते हैं ईद में भी हम वो लोग भी हमारे इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल मतलब जो आजकल बाहर इंडिया में देखते हैं लक्षद्वीप ऐसा कुछ इंसिडेंट इट इज़ टोटली यू नो पैट्रियटिक एरिया एंड नॉन कम्युनल एरिया यू कैन से दैट। ट्रिपल तलाक को लेकर वहाँ के लोगों की क्या राय है? वहाँ ट्रिपल तलाक क्या है वो एस इशू भी नहीं है वहाँ पे, हमारे वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ट्रिपल तलाक वो ये डोरी सिस्टम ये सब हमारे वहाँ नहीं है बिल्कुल। हम लड़कियों को गहने देते हैं, वी नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम लेडीज़ की तरफ से, हम कोई लेते नहीं, हम हमारी सिस्टम है हम उनको देते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ आज तक वो जो फैमिली डिस्प्यूट जो डिवोर्स वो इन पे डोरी में जो केस चलते हैं ऐसा कुछ इश्यूज। आपने कहा ट्रिपल तलाक को लेकर ऐसा कोई माहौल नहीं है, दौरी सिस्टम जैसा कोई चीज नहीं है वहाँ पे, तो ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके का सिस्टम है वहाँ पे। यहाँ वहाँ के लोग जो है आपसी में कि सब सबको जानते हैं क्योंकि एक छोटा सा जगह है, कि अगर एक आइलैंड को आप लेंगे उसको कम से कम 3.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही होगा। अगर एक MP हुए, मैं MP होते हुए मुझे एक पंचायत मेंबर की तरफ काम करना होता है क्योंकि सब मुझे पर्सनली जानते हैं, आप अपनी MP से डायरेक्ट फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसी तरफ से सब आपस में मिलजुल के रहते हैं और उनकी जो कल्चर है कि इट इज़ क्या बोलते हैं कि मेहमान नवाजी में थोड़ा हम आगे हैं, क्योंकि ये मैं बोलना नहीं चाहिए कि आप किसी और से पूछेंगे तो मालूम होना चाहिए कि आप अगर लक्षद्वीप में आए कि आपको कोई जानते नहीं होंगे, अगर आप रोड पे खड़े हैं कम से कम आपको घर पे लेके जाके एक चाय तो पिलाएंगे कोई भी, तो उनका मेहमान रवाजी में बहुत मशहूर है हम। तो ऐसे कोई चीज़ मतलब कि जैसे कि मेट्रो सिटी में आप देखते हो किसको क्या लें करें ऐसा कुछ भी मतलब वहाँ के लोगों में काफ़ी प्यार है और वहाँ के जो मेहमान जो आते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से उनका स्वागत है, इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। सो वाकई लक्षद्वीप के बारे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वैसे ही अंदर की जो जिज्ञासा है वहाँ के कल्चर के बारे में जानने की, वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए, वहाँ की राजनीति, वहाँ के काम तौर तरीके के बारे में जानने के लिए वो और बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम और भी कई तरह के सवालों के जवाब को हम जानेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनसब टीवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लक्षद्वीप के बारे में, इसके साथ ही वहां पे किन किन चीजों के समस्याएं हैं, इसके साथ ही अभी तक हमने यह जाना कि लक्षद्वीप में मेहमान नवाजी काफी अच्छे तरीके से की जाती है और क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है तो वहां पे टूरिज्म को लेकर कितना काम किया जा रहा है, इस तरह के और भी कई सवालों के जवाब हम जानते हैं। तो आइए हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैजल जी, जैसे कि आपने कहा कि मेहमान नवाजी वहाँ पे बखूबी तरीके से वहाँ पे अपनाया जाता है, किया जाता है, तो आप हमें बताइए क्योंकि लक्षद्वीप एक बहुत ही खूबसूरत एक टापू, हम कह सकते हैं कि वो टापू है और वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो ऐसे में हम यूँ कह सकते हैं कि वह टूरिज्म एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे लोग जाना ज़रूर पसंद करेंगे, तो टूरिज्म को लेकर किस तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है और किस तरीके से और नई चीजें जो है वहां पे देखने को मिलेगी? टूरिज्म को लेके टूरिज्म ही एकमात्र इंडस्ट्री बन सकता है कि लक्षद्वीप की एक पेक्यूलियर नेचर को लेके, कि एक टूरिज्म से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वहां की नौजवानों को रोजगार मिल सके,
उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी बढ़े, क्योंकि हमारी पड़ोसन कंट्री जो है मालदीव्स, आप सुने होंगे मालदीव्स, वहाँ की जो टूरिज़्म डेवलपमेंट इतने अच्छे और कंट्रोल्ड लेवल पे टूरिज़्म डेवलप हुआ, क्योंकि जीडीपी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी मैटर को लेके मैंने पार्लियामेंट में 3 स्पीचेस दिए चुके हैं टूरिज़्म को लेके, क्योंकि केंद्र गवर्नमेंट यानी कि इट्स केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है, स्टेट के हिसाब से नहीं कि होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट रूल करते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया, बहुत विनम्रता से बात की है कि लक्षद्वीप को आप टूरिज़्म के एक दर्जे पे लाके इसको एक ओपन अप करके एक कंट्रोल टूरिज़्म के हिसाब से, यानी कि एक गोवा टूरिज़्म वहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि अब उनकी बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज भी है, क्योंकि ये लक्षद्वीप जो पैदा हुआ है कोरल्स ग्रो होके, ये फ्रेजाइल इकोलॉजी है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो एनवायरमेंट को जो कंसर्न है उसको मद्देनज़र रखते हुए टूरिज़्म पॉलिसी बनाना है, तो उसको लेके बहुत काफ़ी आगे तक है हम, क्योंकि बीच में 2008 में एक नोटिफिकेशन हम निकाले थे, उसमें सीआरजेड की मामले आया, सीआरजेड पहले जो था 50 मीटर था हाई टाइड लाइन से, तो दोनों साइड से अगर 50 मीटर लेंगे तो आइलैंड ख़त्म हो जाता है। तो लक्षद्वीप के लिए एक अलग सा एक सीआरजेड रूल यानी कि एक मशवरा चाहिए, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी को खड़ा किया, जस्टिस रविंद्र कमीशन। वो कमेटी पूरी लक्षद्वीप घूमे, एक्सपर्ट्स को लेकर पब्लिक की ओपिनियन लिए, उनकी गाइडलाइंस पब्लिश हुआ, वो गाइडलाइंस को कोर्ट एक्सेप्ट किया, उसी गाइडलाइन को लेके हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, अभी टूरिज्म पॉलिसी तैयार हो गए हैं। तो उसमें हम रिसोर्ट के लिए अलग गाइडलाइंस है, स्क्यूबा डाइविंग के लिए एक है, लिवर बोर्ड के लिए एक है, टूरिस्ट होम के लिए एक एज अ पॉलिसी है, क्योंकि सब एरिया में हम कॉन्सेंट्रेट करके इसमें मेन फोकस होगा कि कंट्रोल टूरिज्म यानी कि हाई एंड और लो वॉल्यूम टूरिस्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी मैंने जो जिक्र किया उसको हमें बहुत ज़ोर से देखना होगा कि ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा पोल्यूट करें तो आइलैंड ही नहीं रहेंगे। तो वो सब चीज़ों को देख के लक्षद्वीप की खूबियतें हैं कि इट्स नेचुरली ब्यूटीफुल, यानी कि जो उसकी बीच होते हैं, जो सिल्वर सैंड, जो वाइट सैंड, आप देखिए आप हैरान, मतलब इतना खूबसूरत जगह है, और पानी जो है हमारी लगून का इट्स क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट जो है, आप नीचे ऐसा एक्वेरियम में जो फिश तैरते हुए देखेंगे आप अपनी नज़र बेयर आयर से आपको देख सकते हैं। उसको मनोरंजन और भी दिलाने के लिए हमारे पास स्क्यूबा डाइविंग की कोर्स भी चलते हैं, डिस्कवर स्क्यूबा डाइविंग भी सेंटर है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो इस सब चीज़ों को लेके हमने एक टूरिज़्म की आउटलाइन पॉलिसी बनाया है, पॉलिसी अभी ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव हो चुके हैं, अभी बाय दिस सितंबर को हमने नोटिफाई करने जा रहा है कि इनको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी के ऊपर लेके जा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से आफ्टर मेरी स्पीच के बाद गवर्नमेंट ने नीति आयोग को डायरेक्शन दिया कि 5 आइलैंड को उन्होंने चुनो लिया, उसमें 4 बिना आबादी वाला है यानी कि अनपॉपुलेटेड नॉन पॉपुलेटेड एरिया, उस आइलैंड को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, खाली टूरिज्म नहीं है, फिशरीज और बाकी जो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है उसी को लेके लास्ट महीना नीति आयोग की एडवाइसर लक्षद्वीप आए थे, उनकी पूरी टीम को लेके अभी उनकी फर्स्ट लेवल ऑफ सर्वे हो गया है, अभी उसके हिसाब से एक रोड मैप बना रहा आगे का, तो उसी के हिसाब से काम आगे चलते टूरिज्म सेक्टर में आगे चलते होंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो लक्षद्वीप एक राज्य नहीं है बल्कि एक यूनियन टेरिटरीज है, ऐसे में वहाँ पे ना ही विधानसभा है और जिस तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे कमी है, तो क्या उन सब चीज़ों को लेकर भी, उनकी मांग को लेकर भी आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, ये एक चीज़ है, मैंने पार्लियामेंट में ये मुद्दा हुए ऑलरेडी उठा चुका हूँ कि एक हमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़रूरत है। लेजिस्लेटिव असेंबली को जो मैंने बात उठाया जो पूरी हाउस मुझे सपोर्ट किए, और उसी दिन मेरी स्पीच के बाद मैंने एक पत्र के साथ सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैंने अप्रोच किए, अक्रॉस द पार्टी मुझे सपोर्ट दिया, उस पेपर को ऑनरेबल स्पीकर मैडम ने उनकी कवरिंग लेटर लेके होम मिनिस्ट्री में भेजे, होम मिनिस्ट्री में अभी एक फाइल बन गए हैं। पहली बार मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट उसको ज़ोर से लिया है, तो उनकी स्टार्ट के हिसाब से पहले जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटर जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको, एक ब्यूरोक्रेट ही होता था नॉर्मली, एक IAS ऑफिसर आते थे, तो दिस टाइम हमें एक पॉलिटिकल नॉमिनेटेड पर्सन यानी कि जो लोकतंत्र या क्या बोलते हैं पॉलिटिकल सियासत की दौर से एक एडमिनिस्ट्रेटर आया हुआ है, जो उनके माइंड में
लोगों के लिए सोच सकें, कि वो महसूस कर सकते कि पब्लिक क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आईएएस ऑफिसर था वो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो दो साल के लिए रहें, दो साल के बाद वो निकल जाते हैं, उनको कोई क्रेडिबिलिटी पब्लिक की तरफ नहीं होता है, क्योंकि ये सैलरीड एम्प्लॉय। तो इसी को चेंज करके कि पब्लिक की डिमांड, और एक चीज़ भी है कि जो भी है एक हमारी फाइनल अप्रूवल ऑफ एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इट शुड बी थ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन, जब जाके ये डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होता है, नहीं तो फिर इट इज़ ए ब्यूरोक्रेसी। भले होम मिनिस्ट्री लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो आईएएस ऑफिसर था बेसिकली। वो उनको लोगों से मिलना जुलना, उनकी लोगों की समस्याओं को दूर करना, वो उनके लिए कोई करते थे या ना करते थे, इट इज़ डिपेंड ओवर द ऑफिसर हु कम्स देयर। बट उसके बाद जो मेरी स्पीच के बाद मिनिस्ट्री ने जो निर्णय लिया कि एक पॉलिटिकल नॉमिनेटेड पर्सन होना चाहिए, तो वो अच्छी तरह काम कर रहा है। तो आगे जाके उसी की पूरी तरफ की जो एक विधानसभा की यानी एक लेजिस्लेटिव असेंबली की ख्वाहिश हम आगे देख रहे हैं। सो वाकई देखा जाए जिस तरीके से लक्षद्वीप में आप क्योंकि इकलौते एक मात्र सांसद है वहां से, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर काफी ज्यादा होगा काम को लेकर। इसके साथ ही जिस तरीके से लक्षद्वीप एक टापू है, यूनियन टेरिटरीज है, तो ऐसे में भी आपके लिए भी एक चुनौती होगी कि वहां की चीजों में किस तरीके से काम किया जाए, खासतौर पर क्योंकि आप विपक्ष पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, एनसीपी से, और ऐसे में कितना सहयोग मिल रहा है आपको केंद्र सरकार से, ये जानना बहुत जरूरी होगा। हाँ, ये मैंने आपको पहले से जिक्र किया कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, कि लक्षद्वीप मैडम स्पीकर भी बोलते थे कि जब वो पहले कुछ कमेटी के चेयरमैन थे तो लक्षद्वीप विजिट किया था मैडम ने, तो मैडम जानते हैं वहाँ की दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ के लोग मतलब उनको क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए, कि मैडम खुद जानते थे। तो जब भी मैं कुछ भी मुझे मौका मैडम देते थे तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देते कुछ बात करने के लिए, क्योंकि मैडम जानते हैं वहाँ से कोई और नहीं है, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या, कोई विधानसभा नहीं है कि और कोई मीडियम से लेके की बातों को उठा सके, क्योंकि पूरी लक्षद्वीप की आवाज़ बनकर मैं आया हूँ। तो उस आवाज़ को ठीक तरफ से पहुँचाने के लिए मैडम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे देते हैं कि आप पूरी तरफ बात रखें, सपोर्ट देते हैं, कह सकते हैं कि सपोर्ट आपको जो है वो मिल रहा है। इसके साथ अगर देखा जाए तो रोजगार और शिक्षा ये दो अहम मुद्दे हैं, तो लक्षद्वीप में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर कैसी स्थिति है वहाँ पे, क्या कहें? अभी शिक्षा को लेके लक्षद्वीप की फिलहाल की जो हालत है, वहाँ 12वीं तक सब आइलैंड में 12वीं तक जो गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई जब सब जगह पे हो रही है, तो उसके बाद अगर जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए केरल के भीतर विश्वविद्यालय में यानी कैलिकट यूनिवर्सिटी है, केरला यूनिवर्सिटी है और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, इन तीन यूनिवर्सिटीज़ में हर वीक कोई कॉलेज भी एफिलिएटेड किया है, उसमें लक्षद्वीप से जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व रखा है, एक सीट इनके नीचे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जो कोई भी डिसिप्लिन को, अभी साइंस को लेके, फिजिक्स को, हिस्ट्री को लेके, कॉमर्स को लेके, कोई भी कॉलेज में लक्षद्वीप की जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं वो पत्र लेके आते हैं। कई रिजर्वेशन सफिशियंट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो एक साल में अगर पास आउट होने का नंबर जो है बहुत कम होता है, क्योंकि आबादी इतनी कम है, तो अराउंड 600 स्टूडेंट्स होगा, उसमें बहुत लोग इंजीनियरिंग में जाते होंगे, कोई टेक्निकल साइड में जाते होंगे, कोई मेडिकल में जाते होंगे, तो अलग अलग उनकी उनकी रुचि के हिसाब से जाते हैं। तो क्या शिक्षा में भी यूनिवर्सिटी वगैरह बनाने का कुछ ऐसा योजना? एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे तीन कालीकट यूनिवर्सिटीज़ का स्टडी सेंटर हमने खोला है, एक अंदरौत में है, एक कवरत्ती में है, एक कड़मत में, जहाँ पे कोर्सेस होता है यानी मैथमेटिक्स का हो या लैंग्वेज का हो या साइंस का हो, है बहुत सारे, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है। या इनके अलावा और कोई चीज़ मतलब कोर्स करना चाहते हैं जहाँ पे ये ऑफर नहीं करते, जो सेंटर ऑफर नहीं करते, उनको बाहर भी उनकी सुविधाएं हमने स्पॉन्सर कैंडिडेट के हिसाब से हम देते हैं,
और बच्चों को स्कॉलरशिप भी हमने देते, वो भी गवर्नमेंट ने इस बार उन्होंने स्कॉलरशिप भी बढ़ा के दिया मुझे जब मैंने मांग। स्किल इंडिया जो पीएम मोदी का जो मुहिम है, क्या उसका भी असर वहां पे देखने को मिल रहा है, वहां पे कोई इंस्टीट्यूट? बिल्कुल, अभी हमारी वहां पे एक पुराना ITI सेंटर था, उसको अभी रिवाइव करके एक बड़ा कैंपस बना दिया, तो उसमें और सारी टेक्निकल कोर्सेस ला के कर रहा है, और उसके साथ साथ जो भी मतलब प्राइवेट ऑपरेटर्स है जो कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं और कोई स्पेशल कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी हम स्किल इंडिया के बारे में भी, फैशन डिज़ाइनिंग हो या टेलरिंग हो या मैकेनिकल साइड पे हो, इलेक्ट्रिकल साइड पे हो, वो सब करने की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करके उनको जहाँ जगह पे भेज भी रहा है। और हमारी कैपिटल आइलैंड कवरत्ती में भी एक ITI का बड़ा एक कैंपस भी बन चुका है। रोजगार की स्थिति की अगर बात करें तो वहाँ पे रोजगार अभी हमारी तरफ से बहुत वही उसी कोशिश में है। लास्ट टाइम हमने पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके गए थे लक्षद्वीप में, मैं होम कमेटी के मेंबर हूँ, उनके चेयरमैन ऑनरेबल चिदंबरम जी हैं जो पूर्व मुख्य होम मिनिस्टर थे। तो उस कमेटी में लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने एश्योरिटी दिया है कि फिलहाल नियरली अराउंड 800 रेगुलर पोस्ट वेकेंट है जो फिलअप करने के लिए, जिसमें दो तीन चीज़ें ऐसा कोर्ट में पेंडिंग है जैसा है, और बाकी सब चीज़ों में बाकी जहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है उन सबको बाय अक्टूबर, अभी आने वाले अक्टूबर में फिलअप करने की एश्योरिटी पार्लियामेंट कमेटी को दिया है। और एक एक 800 फैमिलीज, अगर 800 पोस्ट फिलअप हो जाएंगे तो लक्षद्वीप में 800 फैमिलीज बच जाता है, कि वहाँ एक मिलजुल के रहना ज़्यादा है, फैमिली सिस्टम कंबाइंड फैमिली ज़्यादा रहा है। उसके बाद जो है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात मैंने किया, जो टूरिज्म को लेके, जो टूरिज्म की अभी सितंबर में इनकी जो ओपन अप हो जाएंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आने का उम्मीद रखते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड पर हो या टूरिज्म एक बार बनने के बाद वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बच्चों को या जो नौजवानों को जो पढ़ाई ख़त्म की है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, उन लोगों को रोज़गार देने की उम्मीद बाई 2018 तक हम देने की उम्मीद में चलते हैं, वो शायद हो जाएगा। और फिशरीज सेक्टर में भी हम एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के नाते एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री और एक्सपोर्टर्स को लेके एक स्पेशल कंपनी के हिसाब से फॉर्म करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, ताकि फिशरीज़ में भी बढ़ोतरी आ सके, कि उसी के साथ और भी रोज़गारी और लेडीज़ को भी जो बाकी का जो प्रोसेसिंग यूनिट का भी है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्शन के लिए, इस सब चीज़ों में हम रोज़गार की उम्मीद रखते हैं इस हिसाब। जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन स्किल इंडिया हर तरीके से काम जो है वहाँ पे चल रहा है और कहीं ना कहीं हर तरीके से हर क्षेत्र में विकास जो है वो किया जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर वहाँ की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे सफिशिएंट वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, क्या लोगों का इलाज सही ढंग से हो पा रहा है? और उसी तरीके से अगर पूछे जो 100% मैं हाँ नहीं बोल सकूँगा कि हर आइलैंड में हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बाकी जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है। इसके बाद भी हमने अभी लास्ट जो 13 तारीख को हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में जो HMAC जो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी होते हैं उसमें हमारी बैठक हुआ था, उसमें लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रपोजल जारी करने की कोशिश कर रहा है, एक छोटा एम्स के जैसा एक हॉस्पिटल की एक प्रपोजल अभी लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री को सबमिट कर रहा है, तो उसको उसका शिलान्यास ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होने की प्लानिंग अभी चल रहा है। तो उसमें ये उम्मीद रखते हैं कि एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल कवरत्ती में बने, जहाँ कि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी हम बाहर से आके या कोई अपनी लक्षद्वीप की जो बच्चे हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको भी ज़्यादा प्रेफरेंस दे के हॉस्पिटल को चलाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो अब इस अवस्था में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लक्षद्वीप की पूरी आबादी को, पूरी जनता को एक इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाके, जिनको अगर बाहर जाना पड़े क्योंकि इलाज यहाँ न मिलने की वजह से या एयर एम्बुलेंस की तरफ से हेलीकॉप्टर में इवैक्यूएट करके जाना पड़े, तो उनकी इलाज पूरी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किया जाए। उसी को लेकर हमने 33% अभी ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी कि जो BPL फैमिली है या जो NFSA जो कवर करता है उनको हमने कवर कर दिया। अभी इस नवंबर में एक साल हो जाएगा, एक साल के बाद इसको एक बार रिव्यू करेंगे जो कैसे प्रोसेस है, फिर बाकी जो बचा उन सबको शामिल करके एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की प्राविधान एक इनका जो लागू करने की कोशिश में है हम।
एक बार वो हो जाएगा तो उनकी जो बाहर जाके इलाज करने का जो भी एक्सपेंडिचर है, इसमें हमने ये किया कि 5 मेंबर फैमिली को नॉर्मल इलाज के लिए 2 लाख रुपया और क्रिटिकल इलाज के लिए 3 लाख रुपये की एक स्मार्ट कार्ड के हिसाब से हर 5 मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, पर ईयर का ये कार्ड, पर ईयर का, पर ईयर का। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी कवर है। तो मेरे ख्याल में इतनी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया में कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि जो इवैक्यूएट करते हैं हेलीकॉप्टर में वो कम से कम 30,000 रुपये उसमें आ जाएंगे, क्योंकि एक पेशेंट और उसके साथ 2 एस्कॉर्ट जाएंगे तो उसमें कम से कम 5,000 रुपया, तो 15-20,000 रुपीज़ उसमें आ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट भी इसमें कवर, एक कैशलेस ट्रांसैक्शन के हिसाब से ये इंश्योरेंस हमने लागू किया है। सो वाकई अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में ही नहीं, बल्कि हेल्थ सेक्टर से लेकर एजुकेशन सेक्टर से लेकर हर तरीके से लक्षद्वीप का विकास हो रहा है, और अन्य राज्यों की तरह लक्षद्वीप भी विकास की राह पर चल पड़ा है। और देखा जाए तो जिस तरीके से वहां पे विपक्ष पार्टी यानी कि एनसीपी से सांसद है मोहम्मद फैजल जी, और विपक्ष पार्टी से सांसद होने के बावजूद भी इनका कहना है कि केंद्र सरकार से इन्हें पूरी तरीके से सहयोग मिल रहा है, और अगर इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा तो वाकई में एक वक्त आएगा जब लक्षद्वीप में जो समस्याएं हैं उनका समाधान पूरी तरीके से हो जाएगा। तो फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, हम दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।